नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा सरकार ने और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा के युवाओं के साथ जो धोखा किया है, एक तरीके से कह सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, जब से हरियाणा के अंदर नई सरकार बनी है बीजेपी और JJP की, सबसे पहले इन्होंने एक ही मुद्दे को उठाया कि भी जो आपके ये एग्जाम होते हैं ना भर्तियों को लेकर, या फिर जैसे एसटेट है या फिर HSSC के द्वारा जो भर्तियों के एग्जाम होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको 50 किलोमीटर के दायरे में लेकर आए। 50 तो छोड़िए सर, फिर बोले चलो 100 के अंदर ले आएंगे तो फिर भी सही है, फिर चलो 150 किलोमीटर के अंदर ले आएंगे फिर भी सही है, लेकिन सर 300 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर आपके सेंटर आज भी आए हैं और ये धोखा हरियाणा सरकार युवाओं के साथ कर रही है। अगर कुछ करना नहीं होता है तो सर खाली बयान बाजी से क्या होता है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से मेरा यही सवाल है, क्या एक बार फिर से युवा ऐसे इधर उधर की ठोकरें खाएंगे। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, एडमिट कार्ड ये 26 तारीख को आने थे, डिले इसी वजह से किए हैं कि भी मीडिया में हमारे बयान तो रहते हैं कि भी 100 किलोमीटर के अंदर हम आपको आपके एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर देंगे, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है। तो कहीं युवा मिलजुल कर कहीं हल्ला गुल्ला न करें, मीडिया में बात को न पहुँचा दें और प्रोटेस्ट यहाँ पर सरकार के खिलाफ न करने लग जाए। इससे सिर्फ इसीलिए इन्होंने एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले या कह सकते हैं 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जो है जारी किए। आज मेरे पास पलवल से पुनाना से एक भाई मित्र है, उनका फ़ोन आया, उनका कहना था सर मैं हैंडीकैप आदमी हूँ और पलवल से मेरा एक दिन एग्जाम आया है यमुनानगर और वेरी नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम आया चंडीगढ़, तो 2 दिन घर से बाहर रहना हैंडीकैप आदमी, वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, हमारे लिए मेवात से चंडीगढ़ जाना ऐसा हो जाता है कि आप मनाली चले गए, इतना दूर पड़ता है। दोस्तों, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, विदाउट प्रूफ दोस्तों बात नहीं करते। देखिए दोस्तों, साथी हैं मनीष कुमार नाम है और दोस्तों SC कैटेगरी से हैं ये, हरी सिंह पिताजी का नाम है इनका। अगर मैं बात करूं प्रॉपर एड्रेस का तो दोस्तों ये सिटी पुनाना, तहसील पुनाना, डिस्ट्रिक्ट मेवात से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं, मेवात का इनका एड्रेस है और जो इनका एग्जामिनेशन वेन्यू आया है ना दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर आया ये मैपल टेक प्लॉट नंबर 78 थर्ड फ्लोर विरका मिल्क प्लांट फेज़ नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों इनका एग्जाम आया है। दूसरा एडमिट कार्ड भी इन्होंने मेरे को भेजा हुआ है जिसमें इनका सेंटर यमुनानगर आया है। तो पलवल के बच्चों का यमुनानगर सेंटर है, पलवल के बच्चों का चंडीगढ़ अरे सेंटर है, अरे सर आपने फरीदाबाद और गुरुग्राम भी सेंटर बनाए हैं, पलवल के कैंडिडेट का आप वहाँ सेंटर दे सकते थे, आपने अम्बाला सेंटर बनाए हैं, आपने यमुनानगर सेंटर बनाए हैं, पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र वाले युवाओं के चंडीगढ़ दीजिए, नगर दीजिए, सोनीपत पानीपत के युवाओं के आप एडमिट कार्ड अम्बाला दीजिए, अरे कम से कम इतनी तो एडजस्टमेंट सेटलमेंट आप कर ही सकते हैं। पल वाले वाले युवाओं को आपने यमुनानगर सेलेक्ट कर दिया, यमुनानगर वाले युवाओं को आपने फरीदाबाद और गुरुग्राम सेट कर दिया, कहाँ का इंसाफ है, और बार बार बोलने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरी CM साहब से और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री से कि ऐसा क्यों युवाओं के साथ किया जा रहा है, धोखा बोलकर भी धोखा किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। दोस्तों, वीडियो को ना इतना शेयर कर दीजिए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंच जाए, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट मैं आपको इस वीडियो में हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।